अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है, आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो है लैंड एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, चैप्टर पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 है लैंड एंड एनवायरनमेंट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, बट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, ये वेरी फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। वी विल डिस्कस अबाउट आर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान। वी विल डिस्कस द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, द एरिया ऑफ पाकिस्तान, एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट है, पाकिस्तान का एरिया कितना है, और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट कैसा है, और पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, और जियोग्राफिकली पाकिस्तान की क्या लोकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक और बात आपने माइंड में रख लेनी है कि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन। ये दोनों टॉपिक को मिला के आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और अपनी बुक्स में मार्क कर लेना है कि एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन 1 कवर होगा और आज का कल का दोनों के टॉपिक को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कवर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपरली। अब हम अपना लेक्चर प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया। पाकिस्तान एशिया में वाक़िया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज अ एम सी क्यूज, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वेयर इज पाकिस्तान लोकेटेड, द आंसर इज दैट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एंड नेक्स्ट है इसका एरिया, पाकिस्तान का एरिया कितना है। द एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये पाकिस्तान का एरिया है स्टूडेंट्स। जो पाकिस्तान का ये एरिया है ना, ये मोस्टली बल्कि एवरी ईयर ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज अ एमसीक्यूज आता है। सो इसका एरिया आपने अपने माइंड में रखना है कि पाकिस्तान का एरिया कितना है, इस चीज़ को आपने नहीं बोलना। एंड नेक्स्ट है, इट इज़ 0.67% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो दुनिया का, पूरी दुनिया का जो एरिया है 100%, सपोज कि पूरी दुनिया का जो 100% एरिया है उसमें से 0.67% पे पाकिस्तान लोकेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब जो पाकिस्तान का एरिया है ना, टोटल एरिया जो पाकिस्तान का है 100%, उसमें से 58% कंसिस्ट्स ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेचूज एंड 42% आर प्लेन्स एंड डेजर्ट। 58% माउंटेन एंड प्लेचूज है पाकिस्तान के टोटल एरिया में, और 42% प्लेन्स एंड डेजर्ट्स हैं। ये था इसकी लोकेशन पाकिस्तान की और एरिया, इसको आप निश्चित तरह से लर्न करना है। इसमें से जो चीज़ें मस्ट आपने याद रखनी है वो इसकी ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट है इन एशिया, एंड इसका एरिया कितना है। ये दोनों चीज़ें तो आप इसी तरह से लर्न कर लेनी है, बाकी भी करनी है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अ लकी कंट्री टू विच अल्लाह अलमाइटी हैज़ गिवन अ सूटेबल एनवायरनमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान खुशकिस्मत कंट्री है, एक लकी कंट्री है जिसको अल्लाह ताला ने सूटेबल एनवायरनमेंट से नवाजा है। स्टूडेंट, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे चारों सीजन्स आते हैं, जहाँ पे हम चारों सीजन्स को इंजॉय करते हैं, मौसम गर्मा, सरमा, बहार एंड ख़जा। ठीक है, ये चारों सीजन्स पाकिस्तान में आते हैं, इन चारों को हम इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। इस लिहाज से पाकिस्तान जो है ये बहुत लकी कंट्री है। ये है इसका एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकली पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन 27 and 37 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या आता है, देखिए स्टूडेंट्स ये ग्लोब है। ठीक है, अगर आप इसको ज़रा क्लीनली देखें तो यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, हॉरिजेंटल लाइंस बनी है यहाँ पे, ये देखें, और यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं। ग्लोब्स पे ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये इसमें से जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड,
एंड जो वर्टिकल लाइंस उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, हॉरिजेंटली यानी कि पाकिस्तान जो 27-37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के दरमियान लोकेट है, और 61-77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, ये जियोग्राफिकली पाकिस्तान की लोकेशन है। नेक्स्ट हम मैप की मदद से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। ये मैप है, ठीक है, देखिए ये अपना पाकिस्तान लोकेट है। अब इसके नेबरिंग कंट्रीज को हम देखते हैं कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। देखिए उसके पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें है इंडिया, ठीक है, मैप की मदद से हम इसको डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के कंट्रीज कौन से हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो आ जाता है, ठीक है, देखिए इसके नेबरिंग कंट्रीज में है इंडिया और अफगानिस्तान, ईरान, और यहाँ पे है चाइना, ठीक है, और अरेबियन सी। देखिए ये जो 1, 2, 3, 4 ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो हम इसको, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको सिंपली हम डायरेक्शन के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये तो पता चल गया आपको कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। तो अब ये पता करना है, क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ पे, ये नेबरिंग कंट्रीज जो हैं ये कहाँ पे लोकेट हैं। देखिए हम उसको सिंपली डायरेक्शन के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखें ऐसे ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये आप अपने डायरेक्शन अपने माइंड में रखें। अब देखिए स्टूडेंट्स जो इंडिया है ये ईस्ट में वाक़ है, ठीक है, और वेस्ट में अफगानिस्तान और ईरान है, नॉर्थ में चाइना है, और साउथ में अरेबियन सी है, ठीक है। इस दफ़ा मैं अगेन बता रही हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स अगेन देखें, ईस्ट में इंडिया, वेस्ट में अफगानिस्तान और ईरान, नॉर्थ में चाइना एंड साउथ में अरेबियन सी, ठीक है, ये 4 जो हैं ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और हम जो पाकिस्तान का नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन को डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें पाकिस्तान का इन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के मैप में ये देखें जो ये यहाँ पे है अरेबियन सी, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जब इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो अरेबियन सी है ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक था, आज इसको आप निश्चित तरह से लर्न कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।